व्यंग रचना का शीर्षक है टिकटॉक या राष्ट्रवाद। भारत चीन सीमा पर तनाव है और तनाव की कोई सीमा नहीं है। 20 वीर जवानों की शहादत का बदला एप्स अनइंस्टॉल करके लिया जा रहा है। हमारा राष्ट्रवाद भी गजब का है। एक हीरो तो सिर्फ इसलिए चुनाव जीत गया था कि उसने एक फिल्म में पाकिस्तान का हैंडपंप उखाड़ डाला था। मोदी जी कल तक जिस जिनपिंग से गले मिल रहे थे आज वही गले पड़ रहा है। मोदी जी को नेहरू को कोसने से फुर्सत मिले तो जिनपिंग की ओर ध्यान दे। प्रधान सेवा के इतिहास में उलझे रहे चीनी राष्ट्रपति ने भूगोल में हेरफेर कर दी। मोदी जी चीनी राष्ट्रपति से कोई 18 बार मिल चुके हैं। इतना तो इंसान पूरी जिंदगी खुद से नहीं मिल पाता। चीन पैदाइशी धूर्त देश है जिसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाले नेता को धोखा दे दिया। वह डिस्कवरी चैनल के अभिनेता को क्या समझता। गर्व की बात है कि हमारे मुकाबले चीन का पलड़ा बेहद कमजोर है। हमारे पास न्यूज एंकर और वीर रस के कवि भी तो हैं। जहां न पहुंचे तुलसीदास गोस्वामी वहां पहुंचे अर्णब गोस्वामी। अकेले अर्णब गोस्वामी की ही जंजीर खोल दी जाए तो चीन भाग छूटेगा। कितना भी बड़ा सूरमा हो बकवास से घबराता है। मेरे ख्याल से चीन की बौखलाहट का मुख्य कारण नमस्ते ट्रंप इवेंट के दौरान अहमदाबाद में एक गरीब बस्ती को ढकने के लिए बनाई गई वो दीवार है। मोदी जी ने एक ही मास्टर स्ट्रोक में चीन की टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर तोड़कर रख दी। अब तक जो लाखों टूरिस्ट चीन की दीवार देखने जाते थे वे सब अहमदाबाद की दीवार देखने आएंगे। संग्राम शत्रु से हो या जीवन का, बल से नहीं आत्मबल से जीता जाता है। और आत्मबल आता है सत्य आचरण से। दान गुप्त और खर्च ओपन तो सुना था, लेकिन दान ओपन और खर्च गुप्त यह पीएम केयर फंड से ही पता लगा। जिस ढंग से चीनी सामान का बायकॉट किया जा रहा है, डर है कि भारत सरकार चीन से बायकॉट के लिए भी सामान मंगाना न शुरू कर दे। चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान करने वाले सज्जन अपनी ही सरकार से यह क्यों नहीं पूछते कि मेक इन इंडिया वाले शेयर में अधिकांश पुर्जे चाइनीज क्यों हैं? यदि एक देश के साथ आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं हो सकते तो दूसरे देश के साथ युद्ध और व्यापार भी साथ साथ क्यों होने चाहिए? बुद्धिसेन शर्मा जी के गीत की पंक्तियां हैं, जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है।